क्रिस गेल मैदान में हो और चौके छक्के ना लगे, ऐसा कभी हो सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईपीएल के 31वें मुकाबले की, जिसका रोमांचक मैच किंग्स इलेवन पंजाब और आरसीबी के बीच खेला जा रहा है। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स इलेवन पंजाब के सामने 172 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे किंग्स इलेवन पंजाब की धमाकेदार शुरुआत रही। मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए मात्र 8 ओवर में 78 रन जड़ डाले और 78 रन के स्कोर पर मयंक अग्रवाल 25 गेंद में 45 रन की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के भी थे। लेकिन इंतजार था छक्कों के बादशाह क्रिस गेल का। शुरुआत में तो क्रिस गेल आराम से खेले, लेकिन 13वें ओवर में उनके सामने आए वॉशिंगटन सुंदर और फिर क्रिस गेल का विकराल रूप देखने को मिला, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर क्रिस गेल ने शानदार छक्का जड़ा और बता दिया कि उनमें अभी भी कितना दम है। भले ही वो शुरू के मैच ना खेले हो, लेकिन जब उन्होंने छक्का लगाया तो गेंदबाज भी कांपने लगा। लेकिन क्रिस गेल कहां मानने वाले थे, वॉशिंगटन सुंदर की आखिरी गेंद पर भी क्रिस गेल ने लेग साइड पर शानदार छक्का जड़ दिया। जिसने भी क्रिस गेल का ये छक्का देखा वो देखता रह गया। टीम की ओनर प्रीति जिंटा भी क्रिस गेल के छक्के पर खड़े होकर ताली बजाने लगी, और ऐसा करना लाजमी भी है क्योंकि क्रिस गेल छक्का लगाए और तालियां ना बजे, भला ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन दूसरी तरफ कप्तान केएल राहुल ने भी शानदार अर्धशतक जड़ा और मात्र 34 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। तो आपको कैसे लगे क्रिस गेल के छक्के, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।